नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग एक बात से बहुत परेशान रहते हैं कि जीवन में हमसे बराबर कोई मेहनत नहीं करता। हम जीवन में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, हम जीवन में जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे भी कई ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में हमें आखिर क्यों कुछ नहीं मिलता, क्यों हमारी सफलता हमसे कोसों दूर हो जाती है, जबकि हम ये जानते हैं कि सफलता का एकमात्र सूत्र मेहनत होता है। तो आज के क्रमांक में इस प्रश्न का बहुत ही अद्भुत प्रतिउत्तर आपको मिलने वाला है। बात करेंगे हम कई चरणों में, तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन का ये प्रश्न आपको भी प्रतिउत्तर प्रदान अवश्य कर पाए। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बढ़ते हैं इस चरण में। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें हम आपका प्रश्न लेते हैं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पूरे ईमानदार हैं, हम जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे भी कई गुना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, ईश्वरीय विधान आप सभी के या हम सभी के मस्तिष्क की ऊर्जाओं से बहुत ही ऊपर होता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि इस अनन्य भक्त को मुझे कब, क्या और कितना प्रदान करना है। हो सकता है कि जो लक्ष्य आपने अपने लिए सोचा हो, ईश्वर इस बात का आपको सबसे पहले अंदाजा कराना चाहते हैं, इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि जो लक्ष्य आपने अपने लिए सोचा है आप उससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। जितनी ऊर्जा आपको अपने अंदर समाहित लगती है, जितनी कार्यकुशलता आप अपने लिए समझते हैं, ईश्वर इस बात को आपको आभास कराना चाहते हैं कि इससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है। इसीलिए जब हम बहुत मेहनत कर रहे हों, जब बहुत ज्यादा अपनी शक्ति हम झोंक रहे हों और उसके बाद भी बार बार असफलता आपको मिल रही है, तो सोच लीजिएगा कि पहली बात, आपकी ये मेहनत जाया नहीं होगी, और दूसरी बात कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लक्ष्य सोचा है जो ईश्वर आपको ये आभास करा के अवश्य प्रदान करेंगे कि आपके अंदर बहुत सी कार्यकुशलता है। क्योंकि देखिए, आपके हमारे मस्तिष्क से कई गुना बेहतर ईश्वर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, इसीलिए बार बार असफलता जब आपको मिले तो समझ जाइएगा कि इसमें ईश्वर की कोई बहुत बड़ी योजना है, और ये योजना समय रहते आपको अवश्य पता चलेगी, और जिस दिन इस योजना के विषय में आपको पता चलेगा उस दिन आपको स्वयं पर बहुत हंसी आएगी कि सोचिए कि मैं अपने लिए उस समय क्या सोच रहा था, ईश्वर ने तो मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। ये एक दिन जरूर होगा, ये प्रश्न आपके मन में अवश्य उठेगा, उस दिन आप ईश्वर को धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे। ये है पहला बिंदु। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु में, जिसमें श्री महाराज जी का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। एक बार की बात है, श्री महाराज जी से एक अनन्य भक्त ने बहुत ही रहस्यमय प्रश्न पूछा। महाराज जी से उनका प्रश्न यह था कि महाराज जी, हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं और उस चाहत के प्रति हम बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वरी योजना क्यों हमेशा भिन्न होती है। तो महाराज जी मुस्काते हुए बोलते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, ईश्वर यह जानते हैं कि किस भक्त को क्या प्रदान करना है। अब देखिए, महाराज जी के इस वाक्य के प्रति एक बात तो आपको बिल्कुल समझनी चाहिए कि महाराज जी एक इशारा हमें ये अवश्य कर रहे हैं कि ईश्वर ने जो विधान बनाया है वो विधान केवल और केवल हमारे लिए है। और देखिए, जिस प्रकार से एक अबोध बालक की माता जानती है कि उसके पुत्र को कितना देना है, किस क्रमांक में देना है और किस समय देना है, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमें एक ऐसी ही माता की तरह प्रेम करते हैं और वो जानते हैं कि किस बच्चे को उन्हें क्या देना है, कब देना है, किस समय पर देना है और क्या सबसे ज्यादा उचित इस बच्चे के लिए होगा। इसीलिए ये तो हमारा अधैर्य है, क्योंकि ज्यादातर परेशानियों के पीछे हमारा अधैर्य छिपा होता है और हमें लगता है कि ऋतु से पहले ही हमें फल की प्राप्ति हो जाए, जो कि बहुत ही विसंगत है।
और ऐसी विसंगति हमारे जीवन को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसीलिए ईश्वर आपको हमेशा ये कहते हैं कि जब भी समय अनुकूल नहीं चल रहा हो, जब आप ईमानदार हो, इस बात को बड़ी गहराई से आप सुनिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा कि ईश्वर कहते हैं कि जब आप अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार हों, जब आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों, उस समय भी आपकी मेहनत के बाद आपको असफलताओं के बाद असफलता मिल रही है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। क्योंकि व्यक्ति की एक आदत होती है कि जहां पर व्यक्ति अपना धैर्य खोता है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। जहां पर भी आप रुकते हैं, देखिए, जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और आप जब तक ये समझते हैं कि इस मेहनत के बाद मुझे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और जहां पर जाकर आपका धैर्य टूट जाता है, उसी धैर्य के अगले पग पर सफलता का वास होता है। इसीलिए बहुत से संत जनों को आपने इस बात को कहते हुए अवश्य सुना होगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले आपका हार मान लेना बहुत बुरा होता है, क्योंकि जहां पर आप हार मानते हैं, वहीं से तो आपकी जीत की शुरुआत हो रही होती है। इसीलिए जब भी बहुत मेहनत करने के बाद आपका हृदय टूटे, आपका मनोबल गिर जाए, आपका ईश्वर से विश्वास टूट जाए, तो समझ लीजिएगा कि यही वो चमत्कारिक क्षण है जहां से आपका जीवन बदलने वाला है। उस समय यदि जो व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता, उस समय जो व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र कर ईश्वर में विश्वास अड़िग बना लेता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी अद्भुत सफलता को अर्जित करता है जो सफलता उसने अपने लिए कभी नहीं सोची होती है। यदि आपके मन में आपके कोई ऐसे व्यक्ति विशेष हो जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, जिन्हें आप अपनी नजरों में सफल व्यक्तित्व को देखते हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन पर यदि आप प्रकाश डालकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में चाहे कितनी ही विलक्षण स्थिति क्यों ना आ गई हो, कितना ही प्रतिकूल समय क्यों ना आ गया हो, उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी होती। इसीलिए आज वो सफलता के उस शीर्ष पर बैठा है जहां पर जाने की आपकी इच्छा है। तो आप यदि चाहते हैं कि जीवन में आप भी एक ऐसा उदाहरण बने, तो इस बात को गौर कर लीजिएगा कि यदि कार्य क्षेत्र में आप ईमानदार हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, आपका भक्ति भाव बहुत ही प्रबल है, ईश्वर पर आस्था भी अडिग है, और तब भी आपका मन यदि हार मान ले, तो समझ लीजिएगा कि ये हारने का समय नहीं, ये खड़े रहने का समय है। इस समय यदि खड़े रहेंगे तो सफलता के उस शीर्ष पर, उस कोटि पर आपका नाम अवश्य लिखा होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।